बाहुबली को बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने लिया था लोन। 400 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर उन्होंने फिल्म बनाई थी। यकीनन फिल्म तो चल पड़ी, मगर इन पैसों को चुकाने में राजामौली साहब को कई साल लग गए थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डायरेक्टर ने ये जो लोन लिया था उसको चुकाने में कितने साल लग गए। दरअसल एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म बाहुबली ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। फिल्म के दोनों पार्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुए। इतना ही नहीं, इन दोनों फिल्मों का क्रेज अब तक लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। लेकिन इस बीच फिल्म को लेकर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राजामौली ने करोड़ों रुपए का लोन लिया था। जाहिर है कि फिल्म बाहुबली एसएस राजामौली की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म रही है, इस लिहाज से इस पे उन्होंने पानी की तरह पैसा लगाया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राजामौली ने 400 करोड़ रुपए का लोन लिया था। और तो और बताया ये भी गया था कि इस लोन को पूरे 24% इंटरेस्ट रेट पर लिया गया था, ताकि उनकी बाहुबली एक एपिक फिल्म बने जिसको लोग हमेशा याद रखें और उस फिल्म को देखना पसंद करें। और हुआ कुछ ऐसा ही। हालांकि दावा ये भी है कि एसएस राजामौली को फिल्म के लिए लिए गए इस लोन को चुकाने में 5.5 साल लग गए थे। एक रिपोर्ट की माने तो फिल्म निर्माता डायरेक्टर एसएस राजामौली के फिल्म बाहुबली को रामोजी राव ने फंड किया था, जबकि फिल्म का दूसरा पार्ट पूरी तरह से फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर शोभू यरल गदा और प्रसाद देवी नैनी ने इसे फंड किया था। ऐसे में हैरानी इस बात की है कि डायरेक्टर राजामौली भला 400 करोड़ रुपए का लोन क्यों लेंगे, जबकि वो इस फिल्म के सिर्फ डायरेक्टर थे। फिलहाल तो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ये खबर सुर्खियों में है, लेकिन इस पर मेकर्स की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई रिएक्शन सामने नहीं आई है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद से लोग एसएस राजामौली के इतने बड़े रिस्क के लिए उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा लोन लिया और फिल्म सुपर डुपर हिट भी साबित रही। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।